हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के फॉर्म के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि प्रीलिम्स के फॉर्म पर नई डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी नई डेट हो गई 16 फरवरी 2023। पहले डेट होती थी 9 फरवरी 2023, मतलब आज अंतिम डेट थी। हालांकि कल ही कुछ हमारे फ्रेंड्स के मैसेज आए थे जिसमें बोला था उन्होंने कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है बिकॉज वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, फंक्शनिंग नहीं हो रही है। हालांकि इसके चलते एमपीपीएससी ने फाइनल डेट को एक्सटेंड कर दिया है, ये कर दिया है 16 फरवरी 2023 को। नाउ इसमें आप देखेंगे, वेबसाइट में जब देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से अपडेट दिया है व्हाट्स न्यू में। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ स्टेट सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2022 एक्सटेंडेड अप टू 16 फरवरी 2023। तो ये आपका 16 फरवरी कर दिया गया है। एवली नोटिफिकेशन में भी हालांकि अभी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन यदि आप mponline.gov.in में विजिट करेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा है कि 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एवली यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का जो ऑप्शन है वो 11 फरवरी रखा हुआ है। अब ये छोटी सी मिस्टेक है, हालांकि पहले 9 फरवरी के हिसाब से 11 फरवरी था। इसको शायद एक दो दिन में चेंज कर देंगे या एक दो घंटे में चेंज कर देंगे। छोटी मोटी गलतियां हैं, एमबीपीएससी ने तो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी है, तो छोटी मिस्टेक्स चलो ठीक है चलता है। बिकॉज यदि हम बात करें रियली एमबीपीएससी काम करने की सैलरी में, तो आप सभी को पता है कि एमबीपीएससी के काम करने का तरीका बहुत लेट लतीफ जैसा चल रहा है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम जैसे एमपीपीएससी आयुष, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं एमपीपीएससी आयुष वाले, जिन्हें कहना यह है कि 5 महीना हो गया एग्जाम लिए हुए और अभी तक एमपीपीएससी ने कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है। जिसमें आयुष में 3 कैटेगरीज के लिए एग्जाम कराया था, एक तो आयुर्वेद का हो गया, होम्योपैथी हो गया और साथ में यूनानी का हो गया। अभी तक एमबीपीएससी ने उसे कोई अपडेट नहीं दिया है कि इसका रिजल्ट कब जारी करेंगे। दे हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। एटलीस्ट इतना भी इन्फॉर्मेशन दे दें कि एग्जाम जो रिजल्ट डिले होने की वजह क्या है, एटलीस्ट नोटिफिकेशन में इतना भी बता देते। तो इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया एज ऑफ नाउ। इसके अलावा डेंटल सर्जन की बात करें, यहाँ पर इसके एग्जाम प्रॉपर तरीके से करा लिए गए हैं, रिजल्ट आ गया इसका रिटर्न का, लेकिन अभी तक इंटरव्यूज कब होगा उसको कोई अता पता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जिनका कोई रिटर्न नहीं हुआ था, डायरेक्ट इंटरव्यूज हैं, उनके जरूर इंटरव्यूज लगातार बैक टू बैक कराए जा रहे हैं, लेकिन जिनका प्रोसेस पहले से काफ़ी पेंडिंग में था उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। दैट्स हाई अनफॉर्चुनेट। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी वही है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जाम है उसके साथ वही कंडीशन है। तो एमपीपीएससी का ये जो तरीका है, कहीं ना कहीं एमपीपीएससी को चेंज करने की आवश्यकता है। दे नीड टू क्लेरिफाई अबाउट दैट थिंग कि बाकी प्रोसेस जो है इंटरव्यूज कब कराए जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने बच्चों को भटका दिया, प्रीलिम्स कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट नहीं जारी करना है। तो ये चीजें जो है प्रोसेस जो है एमपीपीएससी की काम करने का तरीका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राज्य सरकार को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को चेंज करना चाहिए। ओबीसी रिवीजन का मामला काफी दिनों से पेंडिंग में है, राज्य सरकार को चाहिए कि ओबीसी रिवीजन का मामला भी जल्द जल्द निपटारा किया जाए। बिकॉज इतना लंबा जो डिले किया जा रहा है ये काफी गलत है। यदि आप ओबीसी को आरक्षण देना ही चाहते हैं तो ओबीसी का प्रॉपर तरीके से कास्ट सेंसस कराओ, तो उसका डाटा पता चले कि हाँ ओबीसी की आबादी कितनी है। तो एटलीस्ट यू विल हैव अ कंक्रीट प्रूफ। जब आप हाईकोर्ट के सामने जाओगे तब तो आप कंक्रीट प्रूफ के साथ डिस्कस कर सकते हो कि हाँ एटलीस्ट ये है, लेकिन आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसे हवाबाजी में चीज चल रही है। एनीवे वो एक अलग मामला है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एमपीपीएससी को जरूर चाहिए कि यहाँ पर एमपीपीएससी को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। इवनली आप देखेंगे एमपीपीएससी नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी नोटिफिकेशन में 9 फरवरी लिखा हुआ है और दोपहर 12 बजे तक का है। तो याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होना, 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, है ना। तो ये नहीं सोचना कि शाम को 5 बजे तक अलाउड है या रात को 12 बजे तक अलाउड है। 12 नून लिखा है तो 12 बजे रात का सोच लो आप, नहीं 12 मिडनाइट नहीं लिखा हुआ है, 12 नून लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 फरवरी को भी 12 बजे दोपहर के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए आप प्रयास करें अपना फॉर्म अधिक जल्दी जल्द फिल कर लें। एग्जाम कब होगा, ये होगा 21 मई 2023 को। एज ऑफ नाउ एमपीपीएससी ने जो डिक्लेयर कर रखा है, 14 मई से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके 21 मई के एग्जाम के लिए, एवली हम लोगों ने बैच कोर्स भी लॉन्च किया है एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए। आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन एमपीपीएससी बैच कोर्स, प्रीलिम्स बैच कोर्स, एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स बैच कोर्स। इसकी फीस मात्र की है 1,999 रुपये। इतनी फीस में आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा जीएस का। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्विज कराई जाएगी, एवरीथिंग विल बी गिवन ओवर देयर। तो आप इतने रुपए में हमारे साथ एमपीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जरूर तैयारी रखनी है अपनी एवरी सिंगल डे, कि आप अधिक से अधिक
एमसीक्यूज के ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना आप एमसीक्यूज ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी पढ़ने बिजी रहते हैं, उन्हें लगता है थ्योरी पूरे कंप्लीट कर लेंगे फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एमसीक्यूज करने से क्लियरिटी ज़्यादा आती है और आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज पूछने वाले हैं, है ना। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मतलब एक प्रकार से बैलेंसिंग होनी चाहिए, थ्योरी कितना पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, एमसीक्यूज कितने घंटे प्रैक्टिस करेंगे, इसे प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तीसरा, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। आपके पास फर्दर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वक्त बहुत कम बचा है, 21 मई को एग्जाम है। आज हमारे सामने जो है वो है 9 फरवरी है, तो तकरीबन आपके पास कितना टाइम बचा है आप देख सकते हैं। फरवरी का आप कह सकते हो एक लगभग 20 दिन बचे हैं, मार्च बचा है, अप्रैल बचा हुआ, फिर 21 मई को एग्जाम ही है। तो आपको प्रयास करना है, थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करना है, जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं उसको पहले जल्दी गैदर कर लें, रिविज़न को बार बार करें, रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, सबसे मस्ट पार्ट है रिवीजन। हम लोग रिवीजन में कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, तो प्रयास करना है कि यहाँ पर भी अपने को ज्यादा मेहनत करनी है। चलो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। जो नए फ्रेंड्स हो, रामसोनी एमबीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे उन्हें पता चल पाए कि हाँ एमबीपीएससी के फॉर्म भरने डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और भी यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं एमबीपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आप पसंद आया हो, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच, बाय, टेक केयर।